तीन दिन आपको बहुत आनंद आने वाला है। ये डायलॉग याद रहा, कौन सी डायलॉग? पल पल आनंद, मुझे पल पल आनंद मिलेगा। बोलो, एक चीज है, बाबा रोज हमें पाउडर लगाते हैं, ज्ञानियों के श्रृंगार करते हैं, तो आज ये पाउडर लगाना तीन दिन। सब लगाने के लिए तैयार हो? कौन सी पाउडर? मुस्कुराते जब वो भाई आया था ना उसके बेटे को लेके, मैंने कहा मुस्कुरा, मतलब कैसे मुस्कुरा, क्योंकि टेंशन डिप्रेशन में था। तो मैंने उसको एक्सरसाइज कराया और सचमुच 5 मिनट के बाद ऐसे कर रहा, क्योंकि एक्शन का उसको पता चल गया अंदर मन को, फिर से अच्छा ऐसे करना चाहिए। तो हमने बिगाड़ा, सुधारेगा कौन? मैं खुद ही सुधारूंगा। तो बाबा जो मुरली में हमें सुनाता है, बच्चे अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, कर्मों को। अगर हमने कर्म माना क्या है, अगर हमारी पलके भी हिलता है वो भी एक है कर्म है। हाँ ना? सिर्फ हाथ ऐसे ऐसे करना, किसी को पिटाई करना या अच्छे, ये सिर्फ इतना नहीं, हमारे शरीर के हर अंग एक अंग नस नस कर्म कर रहे हैं। तो उनको सुधारने के लिए हमें सबसे पहले सच संकल्प अर्थात श्रेष्ठ एक्शन की जरूरत है। एक भाई रास्ते में जा रहा था, कहां जा रहा था? हाथ नीचे कर लो ना मुझसे। एक भाई रास्ते में जा रहा था, दूसरे भाई रास्ते में आ रहा था। वो दोनों की दोस्ती आपस बहुत अच्छी गहरी थी बचपन से। बचपन में साथ में स्कूल में जाते थे, साथ में खाना खाते थे, साथ में घर में बैठ के पढ़ाई पढ़ते थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ बीच में, घोर दुश्मनी हो गई। अब कोई किसी की चेहरा नहीं देखता है, बिछड़ गए। 10 साल के बाद आज मिल रहे हैं, वो उधर से आ रहा है, ये इधर से क्या नाम है? अरे वो जा रहे हैं, आप उस तरफ से, वो आ रहा है, ये सामने देख लिया, पहचान लिया, ये तो वही है। लेकिन पहले जो उसको उसने डांटा था ना, उसको कुछ किया था, पिटाई किया था, वो मोटा था, आज वो पतला हो गया है। और जो पतला था आज वो, उसने कहा समय मौका मिला है, ए तुमने तुमने मुझे क्या बोला था, याद है वो दिन? एक चप्पल मारो ना वो थकने लगा, क्यों पतला हो गया था तुम्हारा बच्चा? अभी मारा नहीं, सिर्फ बोर्ड से ही क्या हुआ, कांपने लगे। बोला दोबारा अगर मेरे जीवन मेरे सामने आया तो, इतना कह के चला गया। ये तो खुशी में नाचने लगा, मैंने बदला ले ली, लेकिन जो डोज दिया उसको घर में पहुंच गया, लेकिन अभी कांप रहा था, ठंडी लग रही थी, गर्मी के दिन था। खाना खाने के लिए गया लेकिन भूख ही नहीं लग रही थी, क्या याद आ रहा था उसको? एक्शन, एक तो हाथ दिखाई दे रहा था उसका, ऐसे जो दिखाया था ना, ए क्या बोलो ना, हाथ उठा के बोलो, ट्रेनिंग चल रही है, अरे सब माहिर है, करके दिखाओ एक बार, लेकिन ये नहीं दिखाना अभी। अभी खाना भी दिखाया, बोला मैं सोने जा रहा हूँ। बोला क्या हुआ? कुछ बोला नहीं। जब बेडरूम में गया सोने के लिए, उसको नींद नहीं आ रही, क्यों? ये रात को 12 बज गया, नींद नहीं आ रही थी, क्यों? यही एक्शन याद आ रहा था, और साउंड भी याद आ रहा था। शाम तक, दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन, सात दिन तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे और भी सुखला पता पतला हो गया, सुखला पतला हो गया, इतना सूख गया। डॉक्टर के पास ले गया कि हुआ क्या, जो भी है मेडिसिन दिए। फिर वो भाई के पास मैसेज भेजा, जैसे पहुंचा हुआ क्या, बोलता है भाई तुमने उसको कुछ बोला था जिसके कारण वो बीमार पड़ गया, आज हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे मैं तो ऐसे बोल दिया था, उतने लड़ाई हुई थी,
फिर आके उसके पास आया, अरे भाई सॉरी गलती हो गई माफ कर, हाँ मुस्कुरा के थोड़ा बात किया, लोग फ्रूट लेके आया, अभी भी वो डर लग रहा था, उसकी पत्नी उसको देखते ही क्या याद आ रहा था, संबंध बिगड़ गया, लेकिन अभी आके उसने हॉस्पिटल में बड़े प्यार से दिया, फ्रूट दिया, उसके पास बैठा, हाथ पकड़ा, बोला डरने की जरूरत नहीं, हम दोनों दोस्त हैं, अभी तुम ठीक हो जाएगा। फिर थोड़ी आधा घंटे के बाद थोड़ी थोड़ी ऐसे करने लगा था, मुस्कुराने लगा था, अच्छा ठीक होने लगा था। तो हमारी शब्द और एक्शन पूरे कर्मों को, पूरे सृष्टि को, पूरे संसार को परिवर्तन किया है, हाँ या नहीं? द्वापर में जब ये जो द्वापर में शुरुआत हुई, सबसे पहले जब गिरे, गिरते गिरते जब हमने अपने कर्मों से गिरा या अपने आप गिर गया, धीरे धीरे नेगेटिविटी एक्शन करने लगे, करने लगे। कितने एक्शन किए होंगे, कितने किए होंगे, कितने किए होंगे, ऐसे बहुत नहीं बोलो, इतना बोलो, बहुत उठा मारते हैं, बोलो बहुत किए, ध्यान रखना के बारे में बोलो बहुत। तो बहुत अगर नेगेटिव किया तो बहुत अभी क्या करना है,